दोस्तों, आईपीएल 2024 का दूसरा बेहद ही रोमांचक महामुकाबला शिखर धवन की टीम पंजाब किंग्स और ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों के कप्तान शिखर धवन और वर्षभ पंत ने अपनी अपनी खतरनाक फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो आखिरकार दोस्तों, दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि IPL 2024 का दूसरा मुकाबला आज शुरू होने से पहले ही कप्तान शिखर धवन और ऋषभ पंत ने अपनी अपनी टीमों में किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आज के इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की क्या रहने वाली है। फाइनल प्लेइंग 11 शिखर धवन और ऋषभ पंत ने अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से युवा बल्लेबाजों और गेंदबाजों को खेलने का मौका दिया है, ये रोमांचक मुकाबला कब और कितने बजे से खेला जाएगा, तमाम सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज के इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, पंजाब किंग्स या फिर दिल्ली? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों, एक तरफ जहां पंजाब किंग्स की कमान शिखर धवन संभाल रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ ऋषभ पंत, जो कि कार एक्सीडेंट के बाद पहली बार क्रिकेट के मैदान में वापसी करने जा रहे हैं। दोनों ही टीमें नई रणनीति, नई प्लेइंग 11 के साथ मोहाली के स्टेडियम में उतरने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आपको बता दें, दिल्ली और पंजाब दोनों ही टीमें अभी तक आईपीएल में 32 बार आमने सामने हो चुकी है, जिसमें दोनों ही टीमों ने 16-16 मुकाबले में जीत हासिल की है। हेड टू हेड आंकड़े दोनों के बराबर है। लेकिन देखना ये होगा कि आज के इस महामुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। ऋषभ पंत इस बार दिल्ली कैपिटल को कहां तक ले जा पाते हैं? आपको बता दें, पंजाब किंग्स और दिल्ली के बीच यह रोमांचक मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से महाराज यदाबिंद्रा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा। दोस्तों, पंजाब किंग्स के पास जहां जॉनी बैरिस्टो, कगिसो रबादा, लियम लिविंगस्टन, सैम करन जैसे ओवरसीज खिलाड़ी मौजूद है, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल के पास डेविड वार्नर, मिचेल मार्स, एनरिच नारखिया, सेहोब जैसे ढाकड़ खिलाड़ी टीम में शामिल है। ऋषभ पंत नेट प्रैक्टिस में खूब पसीना बहा रहे हैं। पहले के जैसा ही ऋषभ पंत नेट में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे गए हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पंत कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं पर शिखर धवन भी अपना पहला पड़ाव जीत के साथ ही शुरू करना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपका बिना ज्यादा वक्त लिए आपको बताते हैं कि दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। दोनों ही टीमों की पहले मुकाबले में क्या रहेगी फाइनल प्लेइंग 11। कप्तान शिखर धवन और ऋषभ पंत ने किन 11 भूखे शेरों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में आपको पहले बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी की बात करें, तो कप्तान ऋषभ पंत ने पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आपको बता दें, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही घातक ओपनर बल्लेबाज है। वर्ल्ड कप में, जो कि पिछले साल खेला गया था, उसमें डेविड वार्नर का प्रदर्शन काफी शानदार था, जबकि पृथ्वी शाह घरेलू क्रिकेट लीग रणजी में काफी शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 3 पर कप्तान ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल मार्श को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आपको बता दें, मिचेल मार्श बहुत ही घातक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही दिल्ली कैपिटल की टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 4 पर कप्तान ऋषभ पंत स्वयं बल्लेबाजी करने मैदान में उतरेंगे। काफी लंबे समय से क्रिकेट फैंस पंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली फुल फिट होकर पंत पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मुकाबले में बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं पर दोस्तों, 5वें नंबर पर वेस्टइंडीज के विस्फोटक खिलाड़ी सेहोब को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो कि डेथ ओवरों में फिनिश करने के लिए काफी बेहतरीन खिलाड़ी है। जबकि दोस्तों, 6ठे नंबर पर कप्तान अर्षभ पंत ने ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आपको बता दें,
अक्षर पटेल भारतीय टीम के बहुत ही घातक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मैदान में तूफान मचा देते हैं। तो वहीं पर दोस्तों, सातवें नंबर पर एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी ललित यादव को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। आठवें नंबर पर भारतीय टीम के खतरनाक स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जबकि दोस्तों, तेज गेंदबाजी यूनिट की जिम्मेदारी कप्तान ऋषभ पंत ने मुकेश कुमार खलील अहमद और आनरिच नारखिया को दी है। दोस्तों, अब इसके बाद पंजाब किंग्स की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में आपको बता देते हैं। पंजाब किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान शिखर धवन के साथ विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जानी बैरिस्टो मैदान में उतरेंगे। दोनों ही खिलाड़ी पावर प्ले के दौरान बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। जबकि दोस्तों, नंबर तीन पर युवा बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। पिछला सीजन इनका बहुत ही शानदार था। जबकि चौथे नंबर पर कप्तान शिखर धवन ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जो कि लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि दोस्तों, पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को खेलने का मौका मिला है। इनके बाद दोस्तों, छठे नंबर पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है, जो कि बहुत ही घातक ऑलराउंडर है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी से बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं पर दोस्तों, सातवें नंबर पर कप्तान शिखर धवन ने ऑलराउंडर खिलाड़ी हरप्रीत बरार को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जो कि स्पिन गेंदबाजी बहुत ही खतरनाक करते हैं। इनके साथ स्पिन गेंदबाजी को और मजबूत बनाने के लिए आठवें नंबर पर खतरनाक स्पिनर गेंदबाज राहुल चाहर को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया गया है। जबकि दोस्तों, तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान हर्षल पटेल, कगिसो रबादा और अर्शदीप सिंह को दी गई है। तो दोस्तों, ये रही दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, जो आज के मुकाबले में मैदान पर उतरने जा रही है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इन दोनों टीमों में कप्तान शिखर धवन और ऋषभ पंत को और किन किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।